हेलो एंड वेलकम टू संसार ग्रीन। आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ जो सदाबहार हैं, यानी सालों साल अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीतते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक मैं आपको पौधों के बारे में बताती हूँ। फाइकस बेंजामिना, इसे गोल्डन फिग, पुक्कर या नांदरुक नामों से जाना जाता है। इसके पत्ते पतझड़ में भी नहीं गिरते हैं। देखने में यह बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ, इसमें फल फूल कभी नहीं आते, तो बीज भी नहीं होते, इसीलिए आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी पत्तियों से इसकी पहचान की जा सकती है। यह इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरह के प्लांट के रूप में लगाया जाता है। थूजा, मोरपंखी या मयूरपंखी, इसकी खूबसूरत पत्तियाँ ही इसकी पहचान है। आमतौर पर इनका इस्तेमाल लॉन में हेज बनाने के लिए किया जाता है। आप चाहें तो गमले में लगाकर घर के अंदर भी रख सकते हैं। हाँ, अगर लॉन में लगाएंगे तो यह 10 से 200 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। फाइकस स्टारलाइट, इसका खूबसूरत सफ़ेद रंग सबका दिल अपनी ओर खींचता है। आप नर्सरी से इसका पौधा लाकर लगाएं, क्योंकि इसमें भी फल फूल नहीं आते हैं। आप पहले 2-4 साल तक इसे इंडोर प्लांट के रूप में घर में रख सकते हैं, फिर चाहें तो अपने लॉन में भी लगा सकते हैं। एरोकेरिया, इसे मंकी पजल ट्री भी कहते हैं। इसकी ग्रोथ बड़ी धीमी होती है, तो पहले कुछ साल आप इसे गमले में इंडोर प्लांट के तौर पर रखें। बड़े होने पर अगर लॉन में लगा देंगे तो यह 60 मीटर तक की ऊँचाई तक जा सकता है। ये जितने आकर्षक होते हैं उतना ही इनका प्रोपगेशन कठिन होता है, तो थोड़े महंगे भी होते हैं। नर्सरी से इसका पौधा ही लाकर लगाएं। फाइकस पांडा, फाइकस की दूसरी किस्मों की तरह ही है, पर इसे टोपियरी बनाने में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी बागवानी के शौकीन हैं तो आज ही अपना पौधा ले आइए और अपने पसंद की टोपियरी बनाइए। टर्मिनेलिया यानी अर्जुन, वैसे तो इसके औषधीय गुण से आप सब परिचित होंगे, लेकिन सदाबहार होने के कारण इसकी खूबसूरती का इस्तेमाल लैंडस्केप बनाने में भी किया जाता है। बीज या कलम दोनों ही तरीके से इसे लगा सकते हैं। इनके बीज बहुत सख्त होते हैं, तो उगने में 2 महीने तक का समय ले सकते हैं। हमारी सलाह होगी आप नर्सरी से इसका पौधा ही ले आएं। जूनिपर चाइनेसिस, यह एक झाड़ीनुमा पेड़ है जो अलग अलग शेप में आपको मिल जाएगा। यह 1 से 20 मीटर तक का मिल सकता है। बोंजाई बनाने में इनका खूब इस्तेमाल होता है। आप इसकी बोंजाई जल्दी और बड़ी आसानी से बना सकते हैं, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। तो आज ही अपना पौधा ले आइए और शुरू हो जाइए। सिल्वर ओक, यह तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है जो 10 से 30 मीटर तक का हो सकता है। आप इसे अपने लॉन के साथ साथ घर में भी लगा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि इसे रोजाना कुछ घंटे की धूप चाहिए। यह बहुत खूबसूरत दिखता है, बीज और कटिंग दोनों से लगता है। फिकस लाइराटा, इसको फिडल लीफ फिग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं और इसमें फूल भी आते हैं। आमतौर पर गमले में घर के अंदर लोग इसे रखते हैं, पर अगर आप इसे अपने लॉन में भी लगाएं तो आपको इसके खूबसूरत फूल देखने को मिलेंगे। इसे आप बड़ी आसानी से एक पत्ते या कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। अशोका या अशोक, इससे तो आप सब परिचित होंगे। इसे उल्कथ या काष्ठदारू भी कहते हैं। आउटडोर प्लांट है, सदाबहार है, लॉन में हेज बनाने के काम आता है। यह बड़ा ही स्लीम सा पौधा है, यानी कि बहुत थोड़ी सी जगह में भी यह लग जाता है। 30 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी पत्तियों को सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह बीज से भी उग सकता है। कटिंग भी इसकी लगाई जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें।